तो आज देखते हैं किस तरह से पासपोर्ट साइज फोटोज बनाएंगे और फिर उसको एक कार्ड पर मल्टीपल फोटोज हम किस तरह से ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फाइल में गए और यहाँ से ओपन किया और एक इमेज जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे लेटेस्ट में मिल रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसकी पासपोर्ट साइज फोटो बनानी। जैसे अंकल की बना सकते हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर इस तरह की फोटो आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस तरह की फोटो नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? लेट सपोज अगर हम कोई यहाँ पे देखते हैं, इस लेडी की पासपोर्ट साइज बनानी है मुझे, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, या इस बच्ची की बनानी है, ठीक है, तो इसको डबल क्लिक किया और इस फोटो को ओपन कर लिया। देन इसकी लेयर को मैंने यहाँ से जाके क्या कर दिया, अनलॉक। तो ये मैंने डबल क्लिक किया और ओके कर दिया। सही है, ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, जहाँ पर जो बात नहीं समझ में आए वहाँ पे इंटरप्ट कर लीजिएगा, सर ये कैसे हो, फिर मैं उसको थोड़ा सा पीछे लेके आगे ले लूंगा। ओके, अब आपने क्या करना है, इसका जो पासपोर्ट साइज फोटो में जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो फेस होता है, ज्यादा से ज्यादा शोल्डर तक आते हैं, ठीक है। अब इस फोटो को क्या करूं, मैंने यहाँ से एक टूल लिया जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपने सिलेक्शन को रखा सिंगल सिलेक्शन। कल सीखा था ना हमने सिंगल, एड सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, एड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रखा और इसको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर, कवर हो गया इसमें सब कुछ। नहीं हुआ तो आप सिलेक्शन को फिर से खत्म कर सकते हैं डी सेलेक्ट करके, और वंस अगेन फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना नीचे ऊपर जितना एरिया कवर करना है देख लें। याद रखें पासपोर्ट साइज कभी भी स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होता है, और वो भी वर्टिकल में। क्लिक कर दिया, सही। अब दबाया मैंने कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एन फॉर न्यू, ऑटोमेटिकली ये साइज को यहाँ पे मेंटेन कर लेगा। सेलेक्ट किया रेजोल्यूशन को 100 पे, नॉट डाउन, रेजोल्यूशन कितनी रखी है मैंने 100, और क्या करा एको, ये नई फाइल आ गई। कंट्रोल वी फॉर, सही है, और इसकी बैकग्राउंड लेयर को मैंने अनलॉक कर दिया। अब आपके पास चॉइस है, अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा और आगे का काम हो जाएगा, हालांकि वो ब्लू बैकग्राउंड पे आपका फोटो ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं तो हमने पहले सीखा है ये कैसे कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहां से इसके बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, और फिर जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसको निकाल देता हूं मैं अल्टर की मदद से, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट, ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। अब इसके रह गए कुछ एजेस। देखिए इस एजेस का मैं क्या करूं, एक आसान तरीका बता रहा हूं, क्लिक किया इस पर फोटो पर, यहां से लिया ये वाला टूल, ठीक है, और यहां पर मैंने अपना एरो रखा, कंट्रोल का बटन होल्ड किया और जस्ट क्लिक किया, क्या हुआ, जो मेरा ऑब्जेक्ट था सिलेक्ट हो गया। ये देखिए मैं इसको ऑफ करके दिखा रहा हूं, ऑब्जेक्ट जो था मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्शन खत्म कर रहा हूं, सिलेक्ट, डी सिलेक्ट, बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक कर रहा हूं, मैं बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं जो मुझे बनाना है, ठीक है। अब दोबारा से वही काम कर रहा हूं जो पहले मैंने करके बताया था, क्लिक किया इस पर, लिया टूल ये वाला, कंट्रोल का बटन होल्ड किया, क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। यहां से मैं गया हूं, ऑप्शन नजर आ रहा है आपको टॉप पर, रिफाइन एजेस, क्लिक किया, ये आपके एजेस हैं, इसको थोड़ा पीछे लाएं, इसको थोड़ा सा फेदर को बढ़ाएं, देखें ये सेट होते जा रहे, और बढ़ाइए स्मूथनेस को, बढ़ाइए थोड़ा सा, हो गया सेट, हो गए, देखें मिक्स हो गया ये इसके साथ। इसके बाद क्या करेंगे आप, ओके ये सिलेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, जैसे ही इस हिस्से को सिलेक्ट करके कॉपी करके वो अलग ले लेगा, ठीक है, और ये नीचे वाला आ गया आपके पास। अब देखें इसको ऑफ करेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी एजेस थे, जब इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, ठीक है, हम इस पे क्लिक करके यहां से इसको डिलीट कर देंगे और ये हमारा एजेस वाला मसला भी हल हो गया। अब आते हैं दूसरे मसले के ऊपर, यहां से हमने नोटपैड खोल के आपको बता रहे हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो का साइज क्या होता है, ये डिफरेंट साइज में है लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज है वो है इसका 1.6
6x2.2 भी होता है और 1.5x2.2 भी रख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप साइज चूज करेंगे वो सेट है। तो मैं अभी इस वाले साइज को फॉलो कर रहा हूँ, 1.5 क्या होगी इसकी विड्थ होगी और 2.0 इसकी क्या होगी हाइट होगी, सही है। कैसे करेंगे अब इमेज को रीसाइज करने का तरीका क्या होता है? इमेज को रीसाइज करने के लिए आप इमेज के मेन्यू में जाएंगे, इसकी शॉर्ट की है अल्टर कंट्रोल आई। यहां पर लॉक लगे हुए होंगे कंस्टेंट प्रोपोर्शन स्केल स्टाइल्स के ऊपर, ये आपने चेक हटा देने, ठीक है। इसके बाद आपने आना है, दो तरीके से आपको मेजरमेंट दिखाएगा, एक पिक्सल में दिखाएगा एक इंचेस में दिखाएगा, जिसमें चाहे आप एडजस्ट कर लें वो आपकी मर्जी है। तो हम इसको सेट कर रहे हैं 1.5x2.0 या 2 कर लें, ठीक है, इंचेस में। और क्या कर रहे हैं इसको, ओके ये इसका साइज निकल आया, अगर गलती हो गई है तो इसको अंडू कर लें और इसको फिर से एक दफ़ा रीडिफाइन कर लें। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं 1.6x2.2 पे सेट करूं तो ये साइज आएगा इसका, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बहरहाल कंट्रोल अल्टर आए और मैं इसको रख रहा हूं 1.5x2 और रेजोल्यूशन नोट 100% पे नोट कर लें, मैंने कितनी रखी हुई है 100, ओके नहीं हो तो भी 100 कर लीजिएगा, निकल आया। अब दूसरा मसला कि भाई अब इस फाइल को सेव करें, पीएनजी फाइल बनाएं, तो मैं गया यहाँ से फाइल, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सेवेज किया और मैंने यहाँ से क्लिक करके एक पीएनजी फाइल बनाई डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ से मैं चला गया इसको पिक्चर्स में और यहाँ पे मैंने रख दिया न्यू गर्ल पासपोर्ट साइज, ठीक है, ओके कर दिया, ये बन गई इसकी पीएनजी फाइल। इस फाइल को मैंने बंद कर दिया कंट्रोल और फिलहाल सेव भी नहीं कर रहा, नो क्लोज हो गई, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज नाउ, ओके। अब कंट्रोल ओ ओपन, जिसमें हम जाएंगे वो फाइलें हमारी कहाँ सेव की हमने, पिक्चर्स में। अभी मैंने लास्ट फाइल कौन सी सेव की वो कैसे पता चलेगा, राइट बटन दबाऊंगा, सॉर्ट बाय पे क्लिक करूंगा, डेट पे रखूंगा, ग्रुप बाय पे भी डेट कर दूंगा, पिक्चर्स में ही सेव की थी हमने, ये रिया उल्टा दिखा रहा है, ये उल्टा क्यों दिखा रहा है, शायद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में था तो सबसे टॉप पर ही आ गया। तो ये मेरा फोटो मैंने ओपन कर लिया, सही है, ओके। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इसकी रेजोल्यूशन देखिए कितनी है 100 और साइज भी एक्यूरेट है, ये हो गया हमारा एक काम। अब इसको हम 4x6 की शीट पर कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए 4x6 की शीट की अगर हम डायमेंशन निकालें 4x6, जब हम 4x6 लिख रहे हैं तो इसको 6x4 भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में क्या होगा, ये कहलाएगा पोर्ट्रेट और ये क्या कहलाएगा लैंडस्केप, सही है। अब आइडिया करें कि अगर आपकी 4x6 की शीट है तो इसमें ये फोटो कितने आ सकते हैं, 1.5 का एक आ सकता है, 1.5 का दूसरा आ सकता है, तीसरा डालेंगे तो वो 4 से ऊपर चला जाएगा, आधा फोटो कट जाएगा, और नीचे कितने आ सकते हैं 6 है, तो 2, 4, 6 सही है। अच्छा अब इस पे देखिए 6x4 पे कितने आ सकते हैं, अगर हम 1.5 के लगा रहे हैं एक फोटो, दूसरा सही आएगा, तीसरा भी सही आ जाएगा और चौथा भी, और इस तरह से इनका साइज 2 होगा तो ये इस तरह 2 रोज बन जाएंगी, मतलब एक रो में 4 आएंगे और उसके नीचे वाली रो में 4 फिर आ जाएंगे, 2 और 2, 4, हाइट 4 है और 6 इस तरह से 4 भाई ये 1.5, 1.5, 3 और 1.5, 3, 3, 3, 6 हो गया, 3, 3, 6 हो गया 6x4 में, ये साइज इसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो हम इसको लैंडस्केप में लेंगे, लेने से पहले क्या करेंगे, इसके साथ हमने एक काम करना है, इसको दबाना है कंट्रोल टी, कल मैंने बताया था फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है
अल्टर शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इसके साइज से इसको थोड़ा कम कर लेना है, थोड़ा कम करना है बस, बस इतना काफी है। सही है। अब आपने क्या करना है, एडिट में जाना है, इसको कहना है डिफाइन पैटर्न। क्या कहना है? डिफाइन पैटर्न, और इसका एक नाम रख ले, जैसे इसने रखा न्यू गर्ल पासपोर्ट साइज। ठीक है, क्या कर देंगे इसको? ओके, ये पैटर्न सेव हो गया, सेव हो गया है। अब मिलेगा कहाँ से, ये भी जहन में रखना है। अभी आपको पता नहीं है ये सेव तो हुआ है, मिलेगा कहाँ से? अच्छा, अब आपको जिस कार्ड पर ये चाहिए 8 फोटोज, वो कैसे लेंगे? फाइल, न्यू, प्रीसेट, फोटो, लैंडस्केप, 4x6, बना बनाया मिल रहा है आपको, बनाने की भी जरूरत नहीं। क्लिक। रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, कितनी रखी थी इस फोटो की रेजोल्यूशन? अगर 300 रखी है तो इसकी भी 300 रखनी है, उसकी 200 रखी है तो इसकी भी 200 रखनी है, मतलब मैच करना है। 100 हमारा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो भी रखेंगे उसको इसके साथ क्या करना है, मैच करना है। और बैकग्राउंड हमने वाइट ही ले लो, चलो ओके कर दिया। आगे अब यहां से फोटोशॉप का काम शुरू होता है कि वो एक एक फोटो करके लगाएंगे तो टाइम लग रहा है ना, फोटोशॉप कैसे हेल्प करेगा। यहां से आपने लेना है पेंट बकेट टूल। ठीक है, क्या काम करता है? कलर फिल करता है। कलर तो जब फिल करता है जब आप इसके ऑप्शन में क्या सेट करते हैं, फोरग्राउंड। यहां क्लिक करेंगे, क्या ऑप्शन आ रहा है? आपने डिफाइन पैटर्न किया था ना, जैसे पैटर्न पे क्लिक करेंगे पैटर्न पे आ गए। ठीक है, और पैटर्न पे आने के बाद यहां पर आएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें आपका लास्ट में पैटर्न मौजूद है। क्लिक करेंगे पैटर्न पर। ठीक है, और पैटर्न लेके जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे, ये आपको बना के दे देगा। सही है, समझ में आ गई बात ये? अब इसको प्रिंट करना आसान है, एक कार्ड पे प्रिंट हो जाएंगे और आप काट लें या वो आप कटिंग करके दे दें। सही है। अब एक शीट आती है जो इससे भी बड़ी होती है साइज में, वो आती है 8x10 के साइज में, 8x10, उस पर लेना है, क्लिक कर लें। अब उसका भी आइडिया कर लें कि भाई उस पर कितने फोटोज आएंगे। तो भाई अगर हम उसको 8x10 पे लेते हैं, तो 8 इसकी विड्थ है, तो लगाएं 6 तो ये हो गए, 2 और आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये हो गए कितने, 6 और 3 9 हो गए, एक फोटो आधा कटेगा। और अगर आप इसको दूसरे आईडी पे लेते हैं, 9x8 पर लेते हैं, तो यानी कि लैंडस्केप पर लेते हैं, तो इस आईडी में कितने आ रहे हैं, 3 6 9, तो भी इसमें एक फोटो ज्यादा आएगा 9.5 में, एक फोटो क्वार्टर कटेगा। और अगर सीधे लें तो रो कितनी बनेगी, 2 4 6 8, ये वाला साइज फिट रहेगा, नुकसान कम होगा इसमें। तो चलें ले लेते हैं, फाइल, न्यू, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ से हमने क्या लिया, फोटो, क्लिक किया, लैंडस्केप, और ये आ रहा है 8x10। हमने क्या डिसाइड किया था, 10x8, तो यहाँ से हम लेंगे इसका पोर्ट्रेट वर्जन। अरे लैंडस्केप में उसमें एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है लैंडस्केप में लेंगे 8x10, 100 की रेजोल्यूशन। और उसको क्या करेंगे, पैन बकेट टूल लेंगे और यहाँ से क्लिक करके पैटर्न पे क्लिक करेंगे, तो कितने फोटोज आपके प्रिंट सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 8 12 13 16 20 24 25 वाला भी आ ही जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा रह जाएगा। अगर इसको आपने पूरा लेना है तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, शीट का साइज आप चेंज नहीं कर सकते, शीट तो फोटो को आपको 1.5 के बजाय 1.4 में या 1.3x2 में बनाना होगा। इस तरह से करके कुछ थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो फोटो का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक कार्ड पे
28 फोटो आपके 120 या 150 रुपए में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी भी आप इजीली पीएनजी फाइल बना सकते हैं, सेवेज और यहाँ क्लिक करके और पीएनजी, और डायरेक्टली प्रिंटर पे प्रिंटर की कमांड दे देंगे, ठीक है, तो ये कार्ड पे एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, फिर अलग करके दे दें। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई समझ में? तो इस तरह से आप इसको कर रहे होते हैं।